तो हे गाइस व्हाट्स अप, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग क्या बोलूँ, 12 बज रही है दिन की। व्लॉग अब शुरू कर रहा हूँ। एक्चुअली आज मैं हूँ रतलाम में, आज है 9 तारीख, कल अवनी का बर्थडे है, इसीलिए मैं आज और कल और यहाँ पर रतलाम में स्टे कर रहा हूँ, मैं और अमृता दोनों। आज मॉर्निंग में उठा आराम से, लेजी, कल थक भी गए थे, लेकिन सुबह सुबह क्या देखता हूँ कि मैं जिस प्लेटफॉर्म पे पढ़ाता हूँ वहाँ पर मेरी 11 बजे की क्लास लगी हुई है। अब वो 11 बजे की क्लास एक टेस्ट पेपर का एनालिसिस था जो मेरे पास में आया ही नहीं था, तो सुबह सुबह हड़बड़ी हो गई, फटाफट टेस्ट पेपर मंगाया, उसका स्क्रीनशॉट लिया, देन उसकी क्लास कंप्लीट करी। अब मैं हुआ हूँ फ्री, तो अब व्लॉग को करते हैं शुरू। तो गाइज अभी यहाँ पर मैं खुद का व्लॉग देख रहा हूँ बड़ी वाली टीवी पे, 4K पे, कितना प्यारा दिख रहा है यार, मतलब बहुत अच्छा व्लॉग बना लेता हूँ। तुम लोग पता नहीं क्यों नहीं देखते हो यार, गाइज कम ऑन यार देखा करो यार। आई एम नॉट यार। तो अभी मैं अपनी मम्मा से फोन पे बात कर रहा था। जैसे आप लोगों को कुछ टाइम पहले मैंने एक व्लॉग डाला था रतलाम ससुराल चलाने वाले व्लॉग में, मैं रतलाम से 20 किलोमीटर दूर एक सिरपुर करके प्लेस है जहाँ पर हमारी फैमिली के एंसेस्टर, बोल लो, जिनको हम हमारी लैंग्वेज में पालियानाथ जी बोलते हैं, वो वहाँ पर बैठे हुए। मैंने आपको उनकी स्टोरी भी सुनाई थी। तो उनका छोटा सा एक मंदिर जैसा बना हुआ, उसके ऊपर हमको एक शेड डालना था। तो लास्ट ईयर 2021 नवंबर में जब मैं यहाँ पर आया था दीपावली के अराउंड, तो मैंने वहाँ पर एक पर्सन को बोला था कि यार आप इस पूरे छोटे से ओटले पर जहाँ पर हमारे पालियानाथ जी बैठे, मैं आप एक उस पे शेड डाल दूं। गाइस मैं आ गया है, उस बंदे को मैं एडवांस भी दे आया हूं, उस बंदे ने आज तक ना शेड डाला है ना कुछ डाला है। मैं बार बार उसको फोन भी कर रहा हूं बट फोन भी नहीं उठा रहा है। तो मम्मा ने बोला कि कभी टाइम मिले तो तू वहां जाकर देख कर आ जा कि भैया वो क्या चाहता है। पता नहीं कैसे लोग होते हैं यार, एक बार अगर आपने काम हाथ में लिया तो आप कर लो ना, या आपके मन में कुछ बात हो तो आप वो बोल दो कि भाई मेरे से नहीं हो पाएगा। देखते हैं, अगर आज कल में टाइम मिला, अभी जैसे मैं कल यहाँ पर और हूँ, तो अगर कल टाइम मिला तो मैं वहाँ जा सकता हूँ और उस बंदे से बोलूँगा भाई मेरे पैसे वापस कर दे या फिर शेड डाल दे। तो यहाँ पर मम्मी को पता है कि मुझे साउथ इंडियन बहुत पसंद है, तो अभी शानदार वाला डोसा बन रहा है एंड मैं आलू नहीं खाता तो दूसरा वाला मसाला भी बन रहा है। अमृता बोल रही है एक आलू वाला भी ट्राई करो, इतनी खुश हो रही है, इतनी खुश। आलू वाला डोसा बेस्ट होता है। Yes! तो आलू में, लेकिन मैं आलू नहीं खाता ना, तो नॉर्मल डोसा, डोसा मसाला डोसा ही बेस्ट होता है, पर पेपर डोसा भी अच्छा लगता है। नो नो, कोई नहीं, वही खाना खाऊंगा मैं, अब तो खिलाएगी। मैंने एक और तरीके का बनवाया मम्मी से मृत्युंजय के लिए, टमाटर एंड प्याज। हाँ वो मेरे को बहुत टेस्ट लगता है, थोड़ा उत्तपम वाला फीलिंग आती है उसमें, तो वो खाएंगे मस्त दबा के। फिर कूद रही है, बच्चे जैसी कूद रही है। आज ना एक मूवी देखने का प्लान भी बन रहा है, कौन सी मूवी थी वो, राधे श्याम ना। थोड़ा सा अमृता को एस्ट्रोलॉजी में बहुत इंटरेस्ट है, मैं बता दूं आपको, इसको एस्ट्रोलॉजी में बहुत इंटरेस्ट है, थोड़ी थोड़ी एस्ट्रोलॉजी में जानता हूं, मैंने सीखी है। तो अमृता बोल रही कि वो मूवी शायद उस पर बेस्ड है, तो इसको देखते कैसी है। खैर रिव्यूज तो उस मूवी के अच्छे नहीं थे, बट हो सकता है हमको पसंद आ जाए, क्योंकि हमको ऐसी मूवीज पसंद आती है जो यूजुअली बहुत फ्लॉप होती है। लोगों को पसंद नहीं आती, जैसे आप ना, आप एक बार सर्च करना व्हाट्स योर राशि, एक मूवी है, मैं जब कॉलेज टाइम में था मेरे दोस्तों को मैंने बोला, हाँ तो सारी सारी रहती है वो, क्या रहती है, 12 राशियों के सारे रोल किए। स्कॉर्पियन से शादी होती है, स्कॉर्पियन से नहीं होती है, वृश्चिक वृषभ वाली राशि से होती है, सेकंड वाली से। हाँ नेट पे सर्च करना गाइस व्हाट्स योर राशि, मतलब बहुत नेगेटिव रिव्यूज आए, लेकिन पर्सनली मुझे मूवी इतनी पसंद है कि जितनी बार आती है मैं देखता हूँ। इनफैक्ट कई बार तो मैं OTT प्लेटफॉर्म पे भी उसको देख लेता हूँ, तो हो सकता है अगली मूवी भी अच्छी हो। तो अभी पहले ठूस लेते, पहले पेट पूजा फिर काम दूजा, तो पहले खाएंगे फिर वो मूवीज प्लान करेंगे, फिर शाम तक रात तक क्लास 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 ही क्लास। ससुरा कुछ काम ही नहीं कर सकते क्यों? कुछ नहीं, क्लास भी जरूरी है। क्लास जरूरी नहीं है? Yeah, boy. नहीं, क्लास ही जरूरी है। ये आपके लिए जरूरी है। Obviously, पेट मेरे लिए क्लास जरूरी है। नहीं मेरे लिए तो आने दो भैया, बाबू भैया, पैसा ही पैसा आने दो। बहुत इतना टेस्टी डोसा मैंने आज तक नहीं खाया था, सॉफ्ट क्रंची इतना टेस्टी वाला, काश मैं आप लोगों को खिला सकता। अब आप देखते हैं, मज़े ले लो, पर मेरे को सही में हाँ हाँ मज़ा आ गया खा के, ऑसम डोसा गाइस, ऑसम। तो गाइस मम्मी ने यहाँ पर बहुत खतरनाक सरप्राइज दे दिया, मैं क्लास खत्म करके आया और मैं क्या देखता हूँ कि मम्मी ने पानी पूरी बना रखी है, वन ऑफ माई फेवरेट, तब तो भैया मज़ा आने वाला है। Cheers, guys. So guys, रात के बज रही है 10:30, हम यहाँ पर एक होटल है बालाजी सेंट्रल, मैं आपको मेरे पहले वाले व्लॉग में भी दिखाया था, यहाँ पर हम लोग अभी अवनी के सरप्राइज बर्थडे पार्टी के लिए देखने आए कि या तो टेबल बुक करेंगे या तो एक बैंक्वेट हॉल बुक करेंगे, कल उसको सरप्राइज दे रहे हैं, बहुत सारे लोगों को हमने इनवाइट किया है,
तो मैं पापा और अमृता यहाँ पर देखने आए जगह, मेरे ख्याल से हो जाएगा बुक। तो रात की बज रही 10:30, अवनी को हम घर पे कुछ कुछ बहाना मार के छोड़ के आए, तो जाके अंदर बात कर लेते कल का क्या सीन है। सो अमृता डिसाइड कर रही है मेन्यू, आला कार्ट करना है या जो इनका ऑलरेडी पूरा जो एक मेन्यू बना हुआ है वो डिसाइड करना है। फाइनली करके जाते हैं यहाँ से ताकि कल का लोड नहीं रहे, कल ऑलरेडी बहुत सारे काम रहेंगे, तो आज खाने पीने का और पार्टी का फाइनल करके ही जाते हैं यहाँ से। सो गाइस, बुकिंग डन, सक्सेसफुली हो गया है, इतनी रात तक भी खुला हुआ है, मजा आ रहा है। रात में आना अच्छा है मालूम है, ना भीड़ मिली ना कुछ मिला, मैनेजर ने भी अच्छे से अटेंड किया एंड सब कुछ सेटिंग हो चुकी है। बहुत मजा आ रहा है क्योंकि अवनी को बहुत मजा आने वाला है। वो एक ऐसी प्राणी है जो कि फॉरेन से आई, कभी-कभी ऐसा लगता है मुझे, और एक छोटी बच्ची हो, ज्यादा खुश होती है, सेलिब्रेट करते हैं तो उसको बहुत मजा आता है कि ऐसे सेलिब्रेशन वहाँ होता है। दी मेरे लिए भी ऐसा होना चाहिए। तो 19th बर्थडे उसका, तो ठीक है 18th नहीं कर पाए तो 19th इतना अच्छा सेलिब्रेट कर पाएंगे। जीजू आ रहा है, इसके अब तो करना ही पड़ेगा। तो गाइस कल अवनी को आना है, बहुत ज्यादा मजा, उसको मालूम नहीं कहता कुछ कर रहे हैं, कौन कौन आ रहा है उसके फ्रेंड्स वगैरह, तो कल उसको बहुत तगड़ा सरप्राइज मिलने वाला है। हिंट तो मिल रही है, हिंट तो सबको होती है बर्थडे के, लेकिन क्या होने वाला है। अच्छा, मैंने भी उसके लिए ना गाइस 4 बहुत स्पेशल गिफ्ट मंगाए हैरी पॉटर सीरीज के, वो जब कल एक एक करके खोलेगी वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। तो चलो गाइस, अब मैं घर जाऊंगा, थोड़ा बहुत घूमता हुआ सोएंगे, अब आपको मैं दिखाऊंगा कल अवनी के बर्थडे के क्लिप्स एंड सारी पार्टी। तो गुड नाइट। सो गाइस 12 बज चुके हैं, जाके अवनी को विश करते हैं। दीदी की तरफ से नहीं है वो, वो मेरी तरफ से गिफ्ट है। अब तू मेरी तरफ से गिफ्ट सोच, देखो तेरे जीजू क्या गिफ्ट दे सकते हैं। अमृता गई है लेने गिफ्ट, जब तक तू एक रफ गैस तो सोच कि चल समझ में आएगा इससे मेरे को, तो जीजू कितना जानती है। चल फोन का कवर या फिर वॉच, और या फिर कुछ ड्रेस, ड्रेस और ड्रेस तुझे मैं दे चुका हूँ कई बार, तो तेरा गिफ्ट आ गया, अब तू खोल। वैसे एक बात बोलूँ मैं, तू बहुत क्लोज पहुंच गई है, देख मैं श्योर नहीं तेरे को पसंद आएगा कि नहीं, नहीं पर जो आया है वो पसंद भी आएगा कि नहीं भगवान जाने, क्योंकि 19 साल की लड़की के लिए तो गिफ्ट है, मेरे को ऐसा लगता है। बिल्कुल पेशेंस नहीं है। ये हैरी पॉटर वॉन्ड, हाँ चलेगी, एलईडी है, क्या बात है, मजा आया, गजब यार, बन गो प्रकाशित भव, ओ गजब। गुड मॉर्निंग गाइज, और सुबह हो गई है 10 तारीख, आज है अवनी का बर्थडे। रात में बहुत लेट सोए थे तो सुबह में इतना लेट उठा, कितनी बजे, 9:30 बजे, अभी भी देखो बिना नहाए धोए घूम रहे। तो अब अवनी का सेकेंड गिफ्ट खोलने का टाइम आ गया है, तो अब अवनी अपना सेकेंड गिफ्ट खोलने के लिए तैयार है, तो चलो दिखाता हूँ क्या गिफ्ट मिला उसको। रात भर सोचा मैंने इसके बारे में क्या गिफ्ट आएगा, ये वाला अच्छे तो खुल रहा है, नहीं खोल, अच्छा वही है, ये क्यूट है, ये वो हैरी पॉटर में वो खेलते हैं ना, कौन सा गेम होता है वो, हाँ क्विडिच, में गोल्डन बॉल जो कैच करते हैं, आई थिंक ये वो है, ये हाँ
ब्रेसलेट। सो अवनी का थर्ड गिफ्ट आ चुका है, तब थर्ड गिफ्ट खोलने का टाइम आ गया है। अवनी सुपर एक्साइटेड, तो अवनी शुरू हो जा। अरे बाप रे, डारी सेट, पेन भी है। हाँ, सेम पेन है, स्टिकर्स है। अवनी तेरा लास्ट गिफ्ट भी खोल ही ले अब तू। तो गाइस अवनी से एक्साइटमेंट कंट्रोल नहीं हुआ, ना मुझसे ना अमृता से, तो अवनी को हमने बोला भाई तेरा लास्ट गिफ्ट भी खोल ले तू आज। रेडी? रेडी। क्या अवनी को लग रहा है ये भी हैरी पॉटर वाला ही होगा? नो आईडिया, वैसे ही फीलिंग आ रही है। हाँ। वैसे ही है। क्या लगा मुझे? ये क्या 20 रुपए का नोट है? असली नोट है? तो नकली बज नहीं रहा। म्यूजिक बॉक्स ये है जैसे। सो गाइस अमृता गाड़ी चला रही है और मैं अमृता के पीछे रतलाम की गलियों में घूम रहा हूँ। अभी हम जा रहे हैं केक गलियों में, अभी हम जा रहे हैं केक लेने और उसके बाद में फिर हम लोग वापस जाके रेडी होंगे और फिर जाएंगे पार्टी करने। तो अमृता कुछ शॉपिंग करने गई हुई है अंदर और मैं स्कूटी पर उसका कर रहा हूँ वेट, क्योंकि गाड़ी पर रखा हुआ है केक और कोई केक लेकर ना जाए, इसलिए अमृता मुझे अंदर नहीं घुसने दे रही है। और कलयुग गाइस, तो गाइस ऑलमोस्ट सारे काम हो गए हैं, बाहर जीत रहे हो गए, घर जाके फटाफट रेडी होऊंगा, नहाऊंगा और निकलूंगा, एटीएम से पैसे निकाल लिए, गाड़ी अपनी तैयार थी, चलो ड्राइवर घर लेके चलो। सो गाइज बर्थडे हो गया ख़त्म, अब जा रहे हैं यहाँ से घर। बड़ा मज़ा आया, डांस किया बहुत सारे आपने, को अभी क्लिप्स देखी होगी आप लोगों ने नो डाउट। अब व्लॉग को कर रहा हूँ मैं यहाँ पर एंड, कल सुबह मैं और अमृता निकलेंगे महू के लिए रतलाम से एंड बहुत ज़्यादा थक गए हैं, तो अब यहाँ से जाएंगे घर एंड सोएंगे। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग, आई होप यू एंजॉयड रतलाम के 2 व्लॉग बैक टू बैक और फ्यूचर में भी और व्लॉग्स लेकर आऊँगा। सो डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग, बाय।